देखिए लॉकडाउन जो है वो 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन 20 अप्रैल को एक इवैल्यूएशन होगी जहां पर ये देखा जाएगा कि आप और हम कितने अच्छे से नियमों का पालन कर रहे हैं, और उस पर डिपेंड करेगा कि लॉकडाउन को कितना ईज किया जाए या कितनी ढिलाई दी जाए। यानी कि जनाब, आप और हम घर में कैसे अपना एंटरटेनमेंट करना है इसके बारे में सोच लें, क्योंकि अगर हम में से किसी ने भी कोताही की तो भैया ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा और इसके लिए आप किसी और को ब्लेम नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि भैया कैसे एंटरटेन करें, कैसे टाइम पास करें, तो देख लीजिए ना, टेलीविजन के सितारे भी कर रहे हैं ये, इन्हीं से सीख लेते हैं कुछ। बच्चों का सुपर हीरो बालवीर इन दिनों अपने घर पर क्या कर रहा है और कौन से नए नए पकवान बना रहा है, ये आज SBS आप सबको दिखाएगा। सबसे पहले सुबह उठकर मैं फ्रेश हो जाता हूँ और पूजा करता हूँ। नॉर्मल जो डेली शेड्यूल होता है शूटिंग का, उसमें सुबह उठकर फटाफट शूट पे जाना होता है, तो पूजा करने का उतना समय नहीं मिलता। लेकिन आज जब हमारे पास समय ही समय है, तो मैं ऑफकोर्स हर रोज आधे से एक घंटा पूजा करता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और एकदम एक डिविनिटी, एक शांति महसूस होती है, तो हर सुबह मैं पूजा जरूर करता हूँ। शूटिंग ना होने की वजह से किस तरह से बालवीर के दिन की शुरुआत होती है और किस तरह वो खुद अपना खाना बनाते हैं, ये सारी चीजें बालवीर ने SBS के साथ शेयर की। ब्रेकफास्ट में अभी टाइम ही टाइम है, तो हर रोज कुछ नया बनता है। मैं भी मम्मी को हेल्प करता हूँ कुछ नया नया बनाने में। फिर ब्रेकफास्ट करते समय मैं, मेरे पेरेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि आज का पूरा दिन हम कैसे गुजारेंगे। तो ऑफकोर्स एक फिल्म होती है हमारा, जैसे बाहर लगा होता है आज कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी, तो हम भी वैसे डिस्कस करते हैं कौन सी फिल्म देखेंगे, कौन सी वेब सीरीज देखेंगे या फिर कौन सी गेम खेलेंगे आज। अब समय की तो कोई कमी नहीं है, तो बस समय का सदुपयोग करते हुए बालवीर भी अपनी हॉबीज और घर के काम पर ध्यान दे रहा है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।